बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फहीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे बस आज की वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर आया हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्केट के अंदर एक और नया मोबाइल लॉन्च कर दिया गया है रियलमी की जानिब से, जो कि रिसेंटली स्थानीय मार्केट के अंदर मौजूद होगा, यानी कि 5 अगस्त के अंदर ये मोबाइल आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल है रियलमी का C65। इसके अलावा हम वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वीवो के कौन कौन से ऐसे मोबाइल है जिनके ऊपर प्राइस कट लगा है दोबारा से, और इसके अलावा किन किन मोबाइल के प्राइस अभी तक नहीं इंक्रीज हुए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने तमाम जो है वीवो के मोबाइल भी डिस्कस करने हैं जिनके प्राइस कम हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी C65 के बारे में। ये एक बेहतरीन मोबाइल जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है रियलमी की जानिब से, जिसकी लुक आपको थोड़ी सी हटके नजर आएगी, क्योंकि हो क्या रहा था कि या तो अब नए मॉडल जितने भी आ रहे थे वो आपको बैक के ऊपर से जो है बड़ा सा रिंग देखने को मिल रहा था जिसके अंदर कैमराज वगैरह होते थे, तो ये डिजाइन जो है देख देख कर हमारा दिल भर सा गया था कि यार अब कुछ नया होना चाहिए। तो रियलमी ने ये सोचा है कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो इस मोबाइल के अंदर कुछ जो है डिजाइन चेंज किया है रियलमी ने। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको इस मोबाइल की जो लॉन्चिंग डेट है वो है 5 अगस्त, यानी कि 5 तारीख को ये मोबाइल मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगा। जी, इस मोबाइल का जो वेट है 185 ग्राम का होने वाला है। इसके अलावा इस मोबाइल की कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो बैक के ऊपर आपको 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस मोबाइल के अंदर मौजूद है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस का पंच होल डिस्प्ले IPS डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। बात करते हैं इस मोबाइल की बैटरी की। इस मोबाइल के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 45 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। रिसेंटली अभी जो नया मॉडल लॉन्च किया गया है वीवो की जानिब से वीवो Y28, जिसके अंदर हमको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस मोबाइल के फ्यूचर्स वीवो के मोबाइल से बेहतर है सिवाय बैटरी के, क्योंकि उस मोबाइल के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही थी, इस मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी है लेकिन उससे फ्यूचर ज्यादा है, क्योंकि वो 8 GB रैम 128 GB मेमोरी के साथ था, ये 8+8 16 GB रैम 256 GB मेमोरी के साथ है, तो उस मोबाइल से इसके फीचर थोड़े से अच्छे हैं। इस मोबाइल की भी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये मोबाइल आपको 50,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, यानी कि ये वीवो के मोबाइल के साथ जो है अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये मोबाइल थोड़े से फीचर्स में अच्छा है। मजीद इस मोबाइल के अंदर आपको IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है, यानी कि हल्का फुल्का अगर इस मोबाइल के अंदर पानी लग जाता है, बारिश वगैरह का भी लग जाता है, तो इस मोबाइल कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको बैक पर और फ्रंट पर अच्छी खासी प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, यानी कि अच्छा खासा हार्ड मोबाइल बनाया है। मटेरियल ऐसा यूज किया है कि अगर इस मोबाइल से आप कोई चीज तोड़ना भी चाहें, यानी कि बादाम खा रहे अखरोट खा रहे, तो वो भी आप आसानी तोड़ सकते हैं, कोई स्क्रेच नहीं आएगा और डैमेज नहीं होगा मोबाइल। अक्सर होता क्या है कि बच्चे वगैरह गिरा देते हैं मोबाइल को, तो या तो डिस्प्ले डैमेज हो जाता है या बैक का पर से जो है आपको अक्सर नुकसान होता है मोबाइल का, तो इस मोबाइल के अंदर आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है। तो फाइनली एक बेहतरीन मोबाइल लॉन्च कर दिया गया है रियलमी की जानिब से, आप इस मोबाइल को 50,000 की रेंज में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की, जो कि हमारे वीवो के मोबाइल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोबाइल है हमारे पास वीवो Y18। ये मोबाइल आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 128 और 6/128, यानी कि 4 GB की रैम 128 GB मेमोरी के साथ, 6 GB की रैम और 128 GB की रोम के साथ, 4 GB रैम और 128 GB रोम के साथ ये मोबाइल आपको 38,500 यानी कि 38,500 का देखने को मिलेगा, और इसका जो सेकंड वेरियंट है 6 GB रैम 128 GB मेमोरी के साथ 43,000 में ये मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा आज की डेट के अंदर। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। मोबाइल है वीवो का वीवो Y100। बहुत से लोग जो है कॉमेंट्स कर रहे थे और मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता किया जा रहा है कि इस मोबाइल के प्राइस क्या चल रही है। मोबाइल 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है, 8 GB रैम 128 GB मेमोरी के साथ, 8 GB रैम और 256 मेमोरी के साथ। पहले बात करते हैं 8 GB रैम और 128 GB वाले वेरिएंट के प्राइस क्या चल रहे हैं आज की डेट में। ये मोबाइल 47,000 का था, लेकिन अब इस मोबाइल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ये मोबाइल तकरीबन 60,000 के प्राइस रेंज पे चला गया है, 13,000 रुपये इस मोबाइल पे इंक्रीज किए गए हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत ज्यादा है। इस मोबाइल को बिल्कुल ना लें तो बेहतर होगा। इसका जो सेकंड वेरिएंट है 8 GB रैम 256 मेमोरी के साथ, ये मोबाइल 53,000 का था, लेकिन अब ये मोबाइल 63,000 का कर दिया गया है। तो वही बात करूंगा कि ये मोबाइल जो है अब बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया है। थोड़ा सा मोबाइल का बायकॉट करें, इंशाल्लाह प्राइस नीचे जरूर आएंगे। करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। मोबाइल है वीवो का Y27। ऐसे मोबाइल आपको 8 GB के रैम 128 GB रोम के साथ देखने को मिलता है, 8 GB 128 GB मेमोरी के साथ। इस मोबाइल के जो प्राइस थे वो थे 47,000 के, और अब भी इस मोबाइल के प्राइस इंक्रीज नहीं किए गए, क्योंकि ऑलरेडी ये मोबाइल बहुत ज़्यादा महंगा था, तो अब कंपनी ने यही सोचा कि इस मोबाइल के प्राइस इतना ही रहने दो, वैसे भी कोई सा किसी ने लेना है, तो अब मोबाइल ये फिर भी जो है ये 47,000 का ही आपको मिलने वाला है। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। मोबाइल है वीवो का Y21T। ये मोबाइल आपको 4 GB के रैम 128 GB मेमोरी के साथ देखने को मिलता है।
इस मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूं, ये मोबाइल 80,000 रुपए का था, इस मोबाइल के ऊपर 31,000 का प्राइस कट लगा हुआ है, तो ये मोबाइल अब आपको तकरीबन 48,000 रुपए में देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी इस मोबाइल के बहुत ज्यादा प्राइस है, तो इस मोबाइल को ना ही ले तो बेहतर है। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। मोबाइल है Vivo V30 5G मोबाइल है। मोबाइल आपको 12GB रैम 256GB की मेमोरी के साथ देखने को मिलता है, 12GB रैम 256 मेमोरी के साथ इस मोबाइल के प्राइस तकरीबन 1,40,000 रुपए तक चले गए थे, लेकिन अब इस मोबाइल के प्राइस को कम कर दिया गया है, तो ये मोबाइल अब आपको 1,25,000 यानी कि 1,25,000 में इस मोबाइल को खरीद सकते हैं। 12GB की रैम के साथ एक अच्छा मोबाइल है, वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के अंदर ये मोबाइल आता है, इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। Y17s ये मोबाइल आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 4GB की रैम 128GB मेमोरी के साथ, 6GB रैम और 128GB की मेमोरी के साथ, 4GB 128GB मेमोरी के साथ इस मोबाइल के जो प्राइस थे 32,000 का था, प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, 35,000 का हो गया है, 35,000 का, और इसका जो सेकंड वेरिएंट 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ 35,000 का था, लेकिन प्राइस बढ़ाने के बाद अब ये 39,000 यानी कि 39,000 में आपको मिलेगा 6GB रैम 128GB मेमोरी के साथ। मोबाइल के प्राइस जो है मेरी नजर में फिर भी बेहतर है, आप इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। मोबाइल है Vivo Y22, ये मोबाइल दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 4GB रैम 128GB मेमोरी के साथ, 4GB की रैम 64GB मेमोरी के साथ, 4GB 64GB मेमोरी के साथ इस मोबाइल के जो प्राइस है 34,500 का आपको मिल जाएगा। इसका जो सेकंड वेरिएंट है 4/128 के अंदर आज की डेट में 46,000 का आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की। तो Y28 ये मोबाइल आपको 8GB की रैम 128GB की मेमोरी देता है, 50,000 यानी कि 50,000 रुपए में आज की डेट में इसके प्राइस है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया गया है, 8GB रैम 128GB मेमोरी के साथ, लुक वाइज अच्छा मोबाइल है, 6000mAh की बैटरी है, इस मोबाइल के प्राइस रखे गए 50,000 के, तो आप ये मोबाइल 50,000 में खरीद सकते हैं। तो पहले ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मोबाइल के प्राइस क्या क्या चल रहे हैं, वीवो के और रियलमी ने नया मॉडल लॉन्च किया है उसके बारे में तमाम तफसीलात आपको बताई गई। राय कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये मोबाइल अभी भी महंगे लगते हैं या आप ये परचेस करना चाह रहे हैं या बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।